और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं भगवान शिव के ऐसे धाम जहां शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद चार धाम की यात्रा पूरी मानी जाती है। रीवा के मऊगंज में स्थित देव तालाब नाम से प्रसिद्ध इस धाम में सावन के पवित्र महीने में श्रद्धालुओं की संख्या हजारों में देखी जाती है। शिव, शंकर, आशुतोष, नीलकंठ और देवों के देव महादेव, जिनके अनेक नाम, जिनकी असीम शक्तियां, सृष्टि के संहारक शिव, भक्तों के उद्धारक शिव का सबसे प्रिय मास सावन, जिसमें भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ पृथ्वी पर अपने भक्तों के बीच वास करते हैं और देवाधिदेव महादेव के भक्त अपने भगवान का आशीर्वाद पाने शिवालयों में बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। एक ऐसा ही औघड़दानी का धाम स्थित है रीवा के मऊगंज में। देव तालाब नाम से प्रसिद्ध यह धाम प्राचीन काल से भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है, जहां सावन के पवित्र महीने में हजारों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। आज हम यहाँ 20 साल से आ रहे हैं। क्या मान्यता लेके आते हैं? जो कोई भी मान्यता लेके आते हैं, भोले बाबा उसको पूरी करते हैं, हर एक मनोकामना को। पूर्वजों ने बताते हैं कि एक रात में बनवाया गया है मंदिर, विश्वकर्मा का बनवाया हुआ मंदिर है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, इसमें प्राचीन के व्यवसाय से ये शक्ति पीठ भी है, इसमें बहुत मान्यता प्राप्त है। ये जो भी हम यहाँ भोलेनाथ बाबा के यहाँ अर्जी लगाए हैं, आज तक हमारी मनोकामना पूरी हुई है। भोलेनाथ हमें बहुत कुछ दिए हैं साहब। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देव तालाब का ये ऐतिहासिक शिव मंदिर भगवान विश्वकर्मा ने एक रात में ही सिर्फ एक ही पत्थर से बनाया था। वहीं इस मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग का रंग सुबह, दोपहर, शाम बदलता रहता है, जो अपने आप में अविश्वसनीय है। ये शिव नगरी देवतलाव में ये शिव भोले शंकर विश्वकर्मा जी का एक रात का मंदिर बना हुआ है। यह सावन में और मलमास का मेला चल रहा है, इस समय बहुत दूर दूर से पब्लिक यहाँ आती है सब शिव जी के दर्शन करने के लिए। भगवान शिव के इस धाम से एक मान्यता जुड़ी है, जिसमें माना जाता है कि चारों धाम की यात्रा के बाद अगर देव तालाब स्थित शिवलिंग में जल नहीं चढ़ाया तो चार धाम की यात्रा अधूरी मानी जाती है। भगवान शिव के इस धाम में सच्ची श्रद्धा के साथ पहुंचे हर भक्त की मनोकामना भगवान भोलेनाथ जरूर पूरी करते हैं और भोले का हर भक्त जयकारा लगाता है, जय हो शिव शंभु, जय हो भोलेनाथ। अशोक समदड़िया, बंसल न्यूज, मऊगंज।